गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते भाई। सब भी फ्रेंड्स स्कोर कैसे हैं भाई? आप सब बढ़िया ही होंगे सारे के सारे। और आज मैं लेके आई थी भाई ब्रोकली। और ये ब्रोकली पता है भाई मैंने किसके कहने से, मतलब किसकी वीडियो देख के खरीदी है ये? मैंने है ना रोहित छिकारा जो बहादुरगढ़ में रहते हैं उनकी वीडियो देखी थी। और वो अपनी मम्मी के साथ मंडी में गए थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने ब्रोकली वगैरह दिखाई थी और उसके बारे में बताया था। तो मेरा भी मन कर गया भाई मैं ले आऊँ, तो फिर मैं लेके आई थी। तो फ्रेंड्स कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो मैं पहली बार ही लेके आई हूँ भाई ब्रोकली। मैंने पहले कभी नहीं बनाई, और वैसे गोभी तो खा लेते हैं लेकिन ये पहली बार बनाएंगे भाई। आज देखते हैं कैसी बनती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने उठा लिया अपना कुंडी सोटा भाई, इसमें हरी मिर्च और लहसुन वगैरह वो सब्जी में कूट के डाल देंगे और फिर देखते हैं भाई कैसे बनती है। वो मैं आपको बता दूंगी सब्जी कैसी बनी हमारी आज। तो सबसे पहले भाई कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें प्याज वगैरह डाल देंगे। वैसे ही बनाऊंगी जैसे भी डेली सब्जी बनाते हैं हम, और कुछ अलग से तो मैंने ट्राई नहीं किया है। जो डेली रूटीन मुझे अपनी रेसिपी ट्राई करते हैं ना भाई, वैसे ही बनाते देखते हैं। तो प्याज के बाद मैंने उसमें हरी मिर्च और उसका जो लहसुन का पेस्ट बनाया था ना वो डाला था, और उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाले हैं, और ये पेस्ट अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। और इसमें मसाले वगैरह डाल दिए, और अब इसमें मैंने आलू मिला दिए हैं, और ये भाई ब्रोकली डाल दी है। तो मैंने ऐसे ही बनाई है भाई सिंपल, जैसे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही। ग्रीन सब्ज़ी भाई वैसे भी सेहत के लिए बढ़िया होती है, और पालक वगैरह की तो जैसे अब सीजन चला जाएगा, नहीं तो हरी सब्ज़ी भी बना लेते हैं हमें। और बेटा तो खा लेता है लेकिन तन भी कम खाती है, वो खुश नहीं होती है ग्रीन सब्ज़ी खा के, ना ही तो पालक की सब्ज़ी खाती है ना ही वो ब्रोकली खाएगी। शायद बोल रही है मम्मा मैं नहीं खाऊँगी और आप खा लेना। तो भाई मैं ही टेस्ट करके आपको बताऊँगी आज कैसी बनेगी। आज फिर गाजर पाक की तैयारी करती है भाई मैंने। ये देखो आज बनाऊंगी मैं कुकर में, उस दिन मैंने पतीले में ट्राई किया था, और आज कुकर में उबाल के तब बनाएंगे, कढ़ाई में बनाएंगे या पतीले में उसके बाद। पहले इसको उबाल लेंगे गाजर को, और ये देखो अभी 5 किलो गाजर इसके अंदर से ही आ गई, बड़ा कुकर है ना इसके अंदर से ही आ जाती है इतनी। ये देखो भाई मैंने इसको बंद करके रख दिया है, और स्लो गैस पे रखना है भाई, ज़्यादा तेज मत करियो नहीं तो लग जाएगा नीचे से, और अपने आप होती रहेंगी। और इसमें फिर 1-2 सीटी लगवा देंगे, हो जाएगा। फिर इसको निकाल के इसमें मलाई मिला देंगे, खोआ मिला देंगे, और भाई जो भी अपने ड्राई फ्रूट मिलाने हैं वो मिला देंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स ये गाजर मैंने उबाल ली है भाई, उबल गई है ये गति, और सही हो गई है सॉफ्ट सॉफ्ट। कुछ पतीले में डाल दूंगी भाई, अब कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो ये बाहर निकलेगा फिर, इसलिए मैं पतीले में ही बनाऊंगी। पतीला ही साफ़ कर लिया। तो फ्रेंड्स कल मंडी में गए थे, तो वहाँ से ब्रोकली की सब्जी जो मैंने बनाई थी वो मैंने आपको पहले दिखा दी, वो बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी भाई। और ये जो है ना 4 किलो में गाजर ले आई थी गाजर पाक के लिए, फिर सीज़न जा रहा है गाजर का, तो अगले साल ही खाने को मिलेगा। तो मैंने सोचा एक बार और ट्राई कर ले भाई, एक बार और बना के देख ले। तो भाई आज फिर ले आई थी मैं खोआ और गाजर और ब्रोकली। गाजर भाई हमने रात ने कस दी थी, और मेरे हस्बैंड घर पे थे तो हमने सबने तनु ने मिल के सबने करवा दिया, काम जल्दी हो गया। तो उबली हुई गाजर मैंने सारी पतीले में निकाल लिया भाई। तो भाई ये देखो ये मैंने फ्रिज से निकाल ली मलाई, और ये मैं इसके अंदर मिला दूंगी, पूरी नहीं मिलाऊंगी भाई, कुछ आधी मिला दूंगी, और उस तरह भाई दूध ना डालना पड़ेगा और जल्दी बन जाएगा। मलाई मिला दूंगी उसके बाद खोआ मिला दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स मैंने इतनी सारी मलाई इसमें डाल ली है, अब इसको मिक्स करके इसके अंदर चीनी डाल दूंगी, और फिर इसको हिलाते रहेंगे भाई, थोड़ी सी देर में ही बन जाएगा, तो जल्दी बन जाएगा। उस दिन मैंने दूध डाला था तो काफ़ी टाइम लग गया था उसको बनाने में, और मैंने उबाली भी नहीं थी उस दिन, तो और आज ये जल्दी ही बन जाएगा। ये देखो इसको ऐसे मिक्स कर दो इसके अंदर, फटाफट का चपा क्या हो जाएगा। ये देखो भाई अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है, चीनी का भी पानी बनेगा भाई, थोड़ी देर उसमें भी लगेगी, तो मैंने सोचा ये इकट्ठा ही हो जाएगा सारा का सारा।
मलाई का जो दूध सा बनेगा वो भी और चीनी का भी। तो भी आज मैं थोड़े से बादाम ही डालूंगी, काजू हो रहे हैं ख़त्म, तो इनको काट के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में तब डाल देंगे बादाम। और मैंने इसमें डाल दी है किशमिश, जो मलाई डाली थी ना उसका दूध सा बन गया भाई, अब इसको जलने में लगेगा थोड़ा टाइम। तो भाई अब मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, और इस साइड बन रहा है गाजर पाक, और दूसरी गैस पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा एक डेढ़ घंटा, एक घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा अभी साथ साथ रोटी बना लेती हूँ, और रोटी बना के रख दूँगी, अभी खाने वाले आ जाएंगे, मम्मी पापा आने वाले हैं खाने के लिए, तो फिर उनको खिला देंगे भाई। तो ये काम तो सही हो गया भाई, रोटी भी मैंने साथ साथ बना ली और गाजर पाक भी हिला दिया अपना, बीच बीच में देखती रही इसको, नहीं तो ये बीच में लग जाता, ठीक है ना। दोनों काम एक साथ हो गए मेरे, और इससे टाइम की बचत हो गई और काम भी दो हो गए, एक तीर से दो निशान। अभी ये इतने सारे बर्तन हो गए भाई, मैंने खाना वाना मैंने बना लिया है, और मेरा गाजर पाक अभी भी नहीं बना है, गाजर पाक मेरा यूँ रखा भाई, अभी भी तैयार होने लग रहा है इसमें भाई, एक डेढ़ घंटा तो वैसे भी लग जाए। उस दिन मैंने जब वो बनाया था ना पतीले में, तो उस दिन तो मेरे ढाई तीन घंटे लगे थे, आज तो फिर भी जल्दी बन जाएगा। ये है आज का छोटा सा व्लॉग हमारा, कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।